हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी साबूदाना वड़ा, और जो हमने स्पेशली नवरात्रों के लिए बनाई है ये रेसिपी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप सीखेंगे मेरी इस वीडियो के माध्यम से कि हम क्रिस्पी साबूदाना वड़ा कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम साबूदाना लिया है और इसको 3 से 4 बार हम अच्छी तरह से पानी में धो लेंगे। धोने से इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। यहाँ पर साबूदाने को हमने धोकर पानी से अलग कर दिया है और इसको हमें 1.5 घंटे के लिए ढककर हम इसको अभी रख देंगे। और ये देख सकते हैं आप, हमारा जो साबूदाना है वो बिल्कुल खिला खुला है और बिल्कुल अलग अलग है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख चुका है। और यहाँ पर हमने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये डालेंगे, उसके बाद 3 हरी मिर्ची हमने बारीक चॉप कर कर रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा अदरक चॉप कर कर रखा था वो भी डाल देंगे। उसके बाद आती है हरे धनिए की बारी, तो वो भी हमने चॉप कर कर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, इसके बाद मैंने ये 100 ग्राम मूंगफली को हमने ग्राइंड कर कर रख रखा था, इस मिक्सचर को भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, उसके बाद साबुत जीरा 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे इसमें। और दोस्तों, एंड में थोड़ा टेस्ट के लिए, चटपटा करने के लिए हम इसमें 1 नींबू का रस इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम आलू को फोड़ेंगे क्योंकि जो हमारी बाइंडिंग बनेगी वो इनों से ही बनेगी। और अब जितना भी ये मिक्सचर है इस सबको हम आपस में मिला लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से मिलाना है, जिससे कि हमारा मतलब जितनी भी इसमें मसाले वगैरह हैं वो आसानी से मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी हमारा मिक्सचर था वो बाइंड होने लगा है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से बाइंड होना चाहिए, अगर ना हो तो इसमें 1 आध आलू आप और मिला सकते हैं बाइंडिंग के लिए। और अब समान मात्रा में हम ये साबूदाना हम निकाल कर बाहर रख लेंगे वड़ा बनाने के लिए। जितना हमें साइज़ चाहिए उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सेम साइज़ जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब बारी है साबूदाना वड़ा बनाने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हाथों पर तेल लगाना है ताकि हमारे जो वड़े हैं वो हाथों में चिपके ना। और उसके बाद दोस्तों, जिस साइज़ का हमें साबूदाना वड़ा बनाना है उस साइज़ की हमें बनानी है इन टिक्कियों की लोई। और लोई बनाने के बाद इसके जो किनारे हैं उनको उंगलियों की सहायता से हमें शेप देनी है। और ये आप देख सकते हैं हमारे जो वड़ा है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे जो हमारे साबूदाना वड़ा है उनको हम बना लेंगे। बिल्कुल ईजी तरीका है, कोई झंझट नहीं है और बनाना बहुत आसान है, यकीन मानिए आप। मैंने अपने लगभग जितने भी वड़े थे वो बनाकर तैयार कर लिए हैं, और इसी दौरान मैंने तेल भी गर्म कर लिया था। यह आप देख सकते हैं बारी बारी कर कर हमारे जो वड़े थे हम तेल में डाल देंगे। तेल हमारा पहले हम इसको गर्म कर लेंगे तेज़ गर्म, बाकी उसके बाद हम लो कर देंगे। लो हीट पर अब इसको हम सेकेंगे ताकि हमारे जो वड़े हैं वो अंदर से भी सिक जाएँ। और थोड़ी देर सेकने के बाद 10 से 15 मिनट में ही आपके जो वड़े हैं वो सिक जाएंगे। हल्के ब्राउन होने तक इनको आपने सेकना है। अगर लो हीट पर आप सेकेंगे तो बहुत अच्छे सेकेंगे आप, बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरे। इस नवरात्रि आप बनाकर देखिए ये डिश, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और त्रिलोक फूड गैलरी की टीम की ओर से आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।